क्या होता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR और MSF? आपने RBI क्रेडिट पॉलिसी के दौरान रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और CRR जैसे शब्द जरूर सुने होंगे, पर क्या आप इन सब के मतलब जानते हैं? आज हम आपको इन सब के मतलब और मायने बताएंगे। रेपो रेट, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देती है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन आदि। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? जैसे इसके नाम से ही साफ है, यह रेपो रेट से उल्टा होता है। यह वह दर होती है जिस पर बैंक अपना पैसा RBI में जमा करते हैं और उस पर ब्याज मिलता है। रिजर्व रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। बाजार में जब भी बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, RBI रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देती है, ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें RBI के पास जमा कर दें। CRR, देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत हर एक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे ही कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR या नकदी आरक्षित अनुपात कहते हैं। जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखती है उसे SLR कहते हैं। कैश लिक्विडिटी या नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करनी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेनदेन को पूरा करने में किया जाता है। RBI जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की तरलता कम करना चाहती है तो RBI CRR बढ़ा देती है। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए रकम कम बचती है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। RBI ने यह पहली बार वित्त वर्ष 2011 से 2012 में सालाना मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में MSF का जिक्र किया था और यह कॉन्सेप्ट 9 मई 2011 को लागू हुआ। इसमें सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक रात के लिए अपना कुल जमा का 1% तक लोन ले सकते हैं। बैंकों को ये सुविधा शनिवार के अलावा हर एक वर्किंग डे में मिलती है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।